भगवान शंकर कहते हैं ये मेरे जीवन का अनुभव है, सारी समस्या का समाधान सिर्फ भगवान का भजन है। श्रावण का महीना कैसे बना, ये शिव जी ने वरदान दिया और भगवान से वरदान लेके चले गए। मैंने आपको एक बात और कही थी कि ब्रह्मा जी ने बेटी को प्रकट किया संध्या को और उस पर मोहित हो गए। जब ये बात भगवान शंकर को पता लगी तो ब्रह्मा को बहुत डांटा, ब्रह्मा तुझे शर्मनाई, अपनी ही बनाई बेटी पर मोहित हो गया, थोड़ी तो शर्मानी थी। अब पहले तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े रहे नीचे को गर्दन करके, और जैसे ही भगवान शिव गए ब्रह्मा को लगा के मुझे डांट रहे हो गई गलती तो हो गई, पर मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका बदला लूंगा। पर अब सोचा कि शंकर को कौन मोहित करेगा, शंकर को मोहित करना तो किसी शक्ति का ही काम हो सकता है, साधारण स्त्री शिव को क्या मोहित करेगी। तो ब्रह्मा ने तुरंत जहां अपनी छाया प्रकट की वहां राजा दक्ष को प्रकट किया। ये दक्ष कौन है, ब्रह्मा की छाया है। और दक्ष से कहा, दक्ष जाओ, शिव तो प्रकट हो गए हैं, तुम शिवा की आराधना करो, शिवा की आराधना करो, शिवा को प्रकट करो, शक्ति को। और जब शक्ति प्रकट होगी तो हम शिव का विवाह करवाएंगे और हम फिर बताएंगे कि नारी कैसे मोहन करती है। राजा दक्ष ने कहा प्रकट हो जाएगी, बोले बिल्कुल हो जाएगी। राजा दक्ष गए और राजा दक्ष ने कठोर तप किया, माता का नवारण मंत्र की साधना की। मैं एक बात और आपको बता दूं, मंत्र का मतलब क्या होता है, मंत्र का मतलब होता है जो मन पे नियंत्रण करे वो मंत्र, हमारे मन को कंट्रोल करे। और मंत्र किससे मिलता है, गुरुदेव से मिलता है। और जब तक मंत्र ना मिले, ध्यान से सुनना, जब तक मंत्र ना मिले ये जीवन कैसा है, बोले पशुओं के जैसा है। देखो भैया, चार चीजें हम में और जानवर में एक सी होती हैं, आहार निद्रा भय संततित्वम सामानमेतत् पशुभिर्नराणाम्। अगर हम भोजन करते हैं तो पशु भी भोजन करता है, हम संतान उत्पन्न करते हैं तो पशु भी ये काम कर लेता है, हमें नींद आती है तो पशु को भी आती है, हमें प्राणों का भय है तो पशुओं को भी प्राणों का भय है। पर ज्ञानम ही देशम अधिकम विशिष्टम, एक ज्ञान ऐसी वस्तु है जो पशुओं के पास नहीं होती। पर आज दुर्भाग्य है कि पशुओं को तो ज्ञान हो गया पर हमें और आपको ज्ञान नहीं। हाँ, कुत्ता अपन से समझदार है, आज की आदमी से, अबे तुम कुत्ता खो घर के दरवाजे रोटी डालियो, वो कुत्ता उतना ही बैठे पूंछ ले और खे है, और वो ही कुत्ता चूल्हे के तैसे रोटी उठा उठे तो पछी से बैठ के खाते, वो जाना था कि जब भड़े आई किया है तो चूल्हे के बैठ के खा रहे तो इतने लठ घाले में कर खाई दूध ले, मैंने अपनो अच्छो बोरा तो कुत्ता जाने से नहीं जाना, वो भी चोरी की रोटी घर के पीछे ले जाके खाता है, मतलब अपना अच्छा बुरा वो जानता है। पर हम अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पा रहे, हमारा मानव जीवन क्यों मिला है, हम तो जानवरों से भी कई गुजरे हो गए। कई बार लोगों से कहो और भैया कैसी कट रही, बोले बस गुरु जी दाल रोटी चल रही दाल रोटी दे रहा है भगवान, दाल रोटी हो इंसान बने, दाल रोटी तो कुत्ता खा रहा है यार बताओ, दाल रोटी को जिंदगी मिली जा, पर खाली अगर तुम्हें दाल रोटी चाहिए तो प्यास गलती से वचन दे रहा हूं, चलो हमारे साथ गौशाला, सिर्फ दिन भर में 10 माला भर कर रख रही हो, 50 गांव में भीख मांग के ले आए, पर तुम्हें दाल रोटी खुआ है जो ना हमारी सांस चले, अगर दाल रोटी के लाने जी रहे हो तो हम
दिन में 3 कथाएं करेंगे पर आपको भूखा नहीं सोने देंगे, बस पेट में 10 माला भर फिर में है तुम लोग। हम तुमसे जा भी लेंगे कि हम आज बर्तन मांज ली खुद के खा भी। ये जिंदगी दाल रोटी के लिए नहीं मिली है। और आदमी की जैसी सोच बन जाएगी वैसा उसका जीवन बन जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो हमें सोच बदलनी है। हमारी जिंदगी दाल रोटी को नहीं, सोच बदलो। जैसी सोच, ऑटो पे काले फोर है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज तक 40 लाख की पजेरो पे ले खोजे तो तुमने कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उसकी सोच ही नहीं है। कितने अच्छे जितनी अपन और की है, अपन ने कहो एक आध कुटी बन गई जुगाड़। तो आदमी कारीगर डबल टांगा, जूता टांगा, 20-20 करोड़ रुपए सरकारी बिल्डिंग में बन रही है, आज तक ऊपर तुमने जूता टांगो देखो? बस सोचे ही नहीं होती। संकुचित सोच बनाओगे तो जिंदगी संकुचित हो जाएगी, अच्छी सोच बनाओगे तो जिंदगी बहुत आगे जाएगी। इसलिए दाल रोटी के लिए मनुष्यतन नहीं मिला है, ये मनुष्यतन दाल रोटी के लिए नहीं, ये परमात्मा के भजन के लिए मिला है। दाल रोटी तो हम कुत्ता बन के खा लेंगे, दाल रोटी तो हम भैंस पड़ा बन के खा लें, और भगवान का भजन कब करोगे? भैंस बन के भजन करो, गधा बन के भजन करो, हाथी घोड़ा ऊंट बन के भजन करो। भजन तो सिर्फ मनुष्य तन के लिए है। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। लोग मनुष्य का तन लेके मांस खा रहे हैं। अरे भगवान से कह दियो अगले जन्म में कुत्ता बना दियो तो चीथा कर दियो, कम से कम अगर लगी लगाई थाली मिल रही प्रेम से घरे वा खाओ, मांस ही खाने तो भगवान से कहियो कि हमें जो मनुष्य का अच्छो नहीं लगो तुम तो कुत्ता बनाओ, खाता रहो मांस अगले जन्म में। और हमें तो लगत कब कम का हो जाते कि जब बैलेंस डरवा मोबाइल है। वृंदावन बिहारी लाल क्या होता है जब हम मोबाइल में कहीं बैलेंस डलवाए और अगर एक नंबर गड़बड़ हो गया तो वो बैलेंस कहूं को कहूं चलो जाते, वो डारा बनेंगे उनको तो चलो जाते। ऐसा ही जितने जे मांस खा रहे हैं भगवान इनके प्राण तो डाल रहे थे कुत्ता ही में, वो तो एक नंबर गड़बड़ाया हो तो वो आदमी में गिर गया। चिंता न करो बेटा, आदमी ये कई बेर चूका थे, ये कई बेर चूका थे आदमी चूका, फिर तो 10 बजे नंबर चेक कर भगवान भी 10 बजे चेक करेंगे। ये तो कुत्ता ही में डालना तुझे पूछिए, धोखे से आदमी में गिर गया तो इनकी आत्मा अकेली एक कमी रह गई है, पूछ नहीं लगाई तुम्हें उन्हें। अगले जन्म में भगवान करे वह भी मिले, ये जन्म में तो पूछ मिला तो नहीं है। दो आदमों को नहीं पूछा, उनकी पूछ है ही नहीं है। एक दारू पोर को एक मांस खावे वाले में। बच्चा बताओ ईमानदारी, कितना बड़ो आदमी रिश्तेदार हो, अगो अच्छी फिगत हो तो रिश्तेदार तक चाहत के जो नहीं आए हमारे घर अकेले हो, मैंने उनकी पूछने कहा ही जब तो बुला नहीं गए। बोलो तो भगवान ने तुम्हें ये जन्म में पूछ नहीं गई, खूब पियो, भगवान करे अगले जन्म में तुम्हें पूछाई दे दे पहुंचाए। वो जानवर ही बना के भेजे नहीं भेजेगा। ये जिंदगी दाल रोटी के लिए नहीं है, ये जिंदगी भगवान के भजन के लिए मिली है। प्यारे भजन करो, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, कथा सुनो, इससे क्या होगा? तुमसे कोई पूछ भी सकता है ना, यजमानों से भी पूछ सकत, का जरूरत है कि 2-2, 5-5 हजार में बच्चा देके कथा में बैठ गई थी तुम उन्हों से भी पूछ सकत, का जरूरत है तो पंडाल में बैठे थी घरे बैठ के 2 पैसा को काम करते, का जरूरत है मंदिर जावे की सवेरे से या ठंड पर रही नहा के मंदिर जा रहे, का जरूरत है माला फेरने की, काबिल है हम बता रहे काबिल है उनके लिए मेरा जवाब दे देना कि क्या मिलेगा। जो रोज मंदिर जाते उनको क्या मिलेगा, जो माता पिता को प्रणाम करते उनको क्या मिलेगा, जो गाय को रोज रोटी खिलाते हमको क्या मिलेगा, जो कथा में यजमान बनते हमको क्या मिलेगा, और उनको बता देना कि ये मिलता है। मोबाइल में
आप लोग अलार्म लगाते हो, लगाते हो कि नहीं लगाते? मोबाइल में अलार्म लगाते हो? जिस वक्त अलार्म लगाया जाता है उस वक्त अलार्म बजता नहीं है, ये बजत है वो टाइम नहीं बजत जब सेट करत है, पर जे समय को सेट करो है वो समय बजे है, जब गारंटी है। तुम भली भूल जाइयो कि हमने अलार्म लगाओ तो उन वो फिक्स टाइम आए और वो अलार्म बजे, बजेगा नहीं बजेगा? जब लगाओगे तब नहीं बजेगा, पर जिस टाइम का लगाया है उस टाइम जरूर बजेगा। ये तुम लोग मंदिर में जाके, कथा में जाके, माता पिता की सेवा करके अपने मन में अलार्म लगा रहे हो, तुरंत नहीं दिखाए, तुरंत नहीं बजे, पर जो कबे बजे है, जब अपन पे कब खराब समय आए तो जो 3 घंटा को लगा अलार्म ना बज जे है, समझ जाइयो। कई बार आदमी कहते ना, आज हम आती तीसरी छत से रोजित जी का पता कौन पुण्य आ रहे आ गए, मैंने कछु ने कछु को अच्छो करो तो जब तक वो बचेगा। याद कर लेना कि एक दिन मैं मंदिर गया था, आज वो अलार्म बज गया है। कई बार आदमी कहे आज बिल्कुल ट्रक के सामने आ गए, 1 इंच रह गए तेरे चक्का चढ़ जा तो का पता बच जा कौन को भाग का सत्कर्म सा आड़े आ गए सु बच गए, मन कबू को अच्छो करो जब तो आज बच गए। इसलिए अच्छा करते रहना, कभी बुरा वक्त भी आएगा प्रारब्ध के कारण तो आज का किया हुआ अच्छा उस दिन काम आएगा। कई बार एक गाड़ी पलट जाती है, 10 लोग बैठे थे, 2 मर गए 8 बच गए, कौन गया था वहां बचाने? कोई सरकार गई थी? किसी सरकार की कोई वहां योजना थी कि जब उन्हें जाए योजना ले रही थी एक्सीडेंट में नहीं मरो? बोलो, कोई परिवार वाला गया था बचाने? कोई डॉक्टर गया था बचाने? जैसे 8 मर गए ऐसे भी 2 क्यों नहीं मरे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन के मन में, मोबाइल में धर्म का अलार्म सेट था, उस वक्त बच गए और वो दोनों बच गए। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के मंदिर जाना, हाथ जोड़ के कहना सरकार हम भी अलार्म सेट करके आए हैं अपने मन को, रोज जितना समय मिले एक आध माला घर में उठाना। कई लोग कहते माला में करो चाहिए, कबीरदास जी को 2 दोहा पढ़ रहे थे, अब कुछ नहीं इतने खराब होते। हाँ ये तो आदमी बिल्कुल ही बुच्चो हो, भगवान बहुत जल्दी कृपा करत होते, हाँ सीधे को भगवान बहुत जल्दी मिलत, अब के फिर बहुत परम स्थिति में पहुंच जाए तो उनको मिलत, जो उनके बीच वाले रहते ने 90 ने 90 ये बहुत खराब हो। उन्हें एक दोहा पढ़ रहा हो, बोले कबीरदास जी ने कह रही माला नहीं करने, बोले का? बोले कबीरदास जी कह रहे कर का मन का डार के मन का मन का, फिर अब का की माला करने? कबीरदास जी तो मना कर रहे हैं ना, कहते कबीरदास जी ने मना किया, पढ़ा है आपने कबीरदास जी को? आगे पीछे का कुछ पता है कि कब क्या क्या स्थिति बनी? वो कबीरदास जी के गुरु जी थे श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, 1001 दुरियों की माला जपते रामानंदाचार्य जी। आज जब रामानंदाचार्य जी शरीर त्यागने लगे तो वो माला कबीरदास जी को दे गए थे। अगर कबीरदास जी माला के विरोधी होते तो गुरु जी की माला लेते लड़के? और तना आगे पढ़ो क्या कह रहे कबीरदास जी, बोले कर का फिर मन का, छिड़ जाए बताई उन्हें पहले कर का, पहले कर पे तो घुमाओ फिर मन का घूमेगा, कर का फिर मन का डालो, जो कर पे भजन किया है वो मन में डालो, अर्थ भी तो लगाओ सीधा सीधा। कर का और ईमानदारी बताओ, आत्मा पे हाथ रख के बताओ, बिना माला के तुम दिन भर में कितना भजन करते हो? अगर हाथ में माला है तो खबर तो रहे माला में, हम कह 20 बार तो सीताराम के या है अपने आप, जब 24 घंटा लाइन फैल रहा है फिर बैठे हम दिन भर में 100 बार तो सड़क ली जाए, एक माला तो हो ही है। अजय वो हाथ में माला नहीं है वो कहे कर दे ईमानदारी से ठाण लोग कहते आत्मा पे हाथ रहे एक आधार को है। अरे माला ने फिर कबीर को जवाब दिया, माला जानती थी आगे चल के लोग को तर्क करेंगे तो माला कह रहे हैं कबीरदास जी से